उन जल संरक्षण की तकनीकों का प्रयोग करिए ताकि आपके वाटर लेवल में वृद्धि रहे, वाटर लेवल को डाउन ना होने दिया जाए, घटने ना दिया जाए। बहुत सारे ऐसे आप बिना पानी के आप कोई भी फसल उगाइए, लेकिन अगर पानी नहीं मिलेगा, उसको सिंचाई नहीं होगी, तो वो फसल उपज आगे नहीं बढ़ सकती है। तो वो काम जो आज से 10 साल बाद हमारे सामने चुनौती होने वाला है, क्यों ना हम अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दें। ये रातों रात चीजें परिवर्तित नहीं होंगी, इन चीजों को परिवर्तित करने के लिए आपको 10 साल पहले से योजना बनानी पड़ेगी। तो जल संरक्षण की योजना अभी से आप लोग हर खेत के लिए बनाइए। हर खेत में नालियां नहीं जा सकती, लेकिन आप मेड़ों के बीच से पाइप बिछा सकते हैं, मेड़ों के बगल से पाइप जरूर बिछा सकते हैं, और वहां से लेकर आप हर खेत तक पानी पहुंचा सकते हैं। तो आज जरूरत इस बात की है कि आज जल संरक्षण के बारे में भी हम जागरूक हों। ये चार पांच जो मैंने चीजें आपको बताई, अगर आप लोगों ने वास्तव में इस पे ध्यान दिया और इस पे काम किया, तो निश्चित रूप से आपके आज का जो कार्यक्रम है, जिसकी उपाध्येयता है कि आप किसानों की समृद्धशाली बनाएं, किसानों की आय में वृद्धि करें, किसानों को हम आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाएं, जो हमारे चौधरी चरण सिंह जी का सपना था, आज वो सपना तभी पूरा हो सकता है जब आप इन तकनीकों का प्रयोग करें, इन उपायों का प्रयोग करें, इनको वास्तविक रूप से व्यवहार के रूप में लाएं। एक और चीज जिसके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है, हमारे खाद का इस्तेमाल, कीटनाशकों का इस्तेमाल, जो हम रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, उसका परिणाम ये हो रहा है कि आप हर गांव में देखेंगे कैंसर और अन्य ऐसी गंभीर बीमारियों के शिकार लोग हो रहे हैं। ये कारण ऐसा ही कि आप अंधाधुंध आप परवल बोते हैं उस पर इतना स्प्रे कर देते हैं, केला बोते हैं उस पर इतना कीटनाशक डाल देते हैं, वो खाने योग्य नहीं रह जाता, वो जहर हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमारे देश के किसान और उनके परिवार और देश के निवासी, शहरों में भी जाता है जो किसान नहीं, वो भी वही भोजन करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो उन पे धीरे धीरे अंकुश लाना पड़ेगा, उत्पादन में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन वो उत्पादन आपका आगामी जीवन को बढ़ाने के लिए होगा, जीवन को घटाने और बीमारियों को बढ़ाने के लिए नहीं होगा। तो आज जरूरत इस बात की है कि जैविक कृषि की ओर हम धीरे धीरे आकर्षित हों। जैविक कृषि में जो हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा अपनाई थी, हम उस परंपरा को याद करें, वो परंपरा और वो समय जो था वो बहुत बढ़िया था। हम अधिक उपज की चाह में, अधिक उपज की लालसा में हम इतना ज्यादा कीटनाशक, इतना ज्यादा रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं कि उसका परिणाम होता है कि हमारे जो बीमारियां तेजी से फैलती हैं और वो अंततः हमारे ही घरों में, हमारे पड़ोस में आकर वो प्रभाव दिखाती है। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम जैविक कृषि की ओर उन्मुख हों, जैविक खेती को हम बढ़ावा दें। इसके लिए जो आपके गोबर और गोबर कंपोस्ट और इससे जुड़े हुए जो और सारी चीजें हैं, उन जीवामृत इत्यादि हमारा डास्प विभाग है, आप डास्प विभाग से संपर्क कर सकते हैं, जो अभी वर्तमान में गंगा के किनारे के 5 ब्लॉकों में वो काम कर रहा है। 2040 हेक्टेयर जमीन पे इस समय जैविक खेती पे हमारे किसान कर रहे हैं। 3800 किसान जो लोग काम कर रहे हैं, उन 3800 किसानों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। शीघ्र ही हम उनकी मार्केटिंग के लिए भी व्यवस्था करने जा रहे हैं और जैविक उत्पादों को हम एक बाजार बनाने के लिए और उनको स्टोर्स में रखवाने के लिए भी हम मार्केटिंग के बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं। तो ये चीजें बदलेंगी, लेकिन बदलने के लिए इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति की आवश्यकता है, और वो संकल्प शक्ति अगर आपके अंदर आएगी, अगर हमारे किसान भाइयों के अंदर आएगी, तो फिर निश्चित रूप से बेहतर भविष्य की हम कल्पना हमारी वो साकार सिद्ध होगी। मैं आपका आह्वान करता हूं कि इन बिंदुओं पे आप काम करें और इन बिंदुओं पे मेहनत करें ताकि आपकी चीजें बेहतर हो, आपकी जीवन बेहतर हो और आप एक समृद्ध भारत का, जो स्वस्थ भारत की जो संकल्पना है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, वो हमारी संकल्पना को आप साकार कर सकें। मैं एक बार पुनः अपने अतिथियों का और अपने जो आयोजकों का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया और इसमें अपने बहुमूल्य समय दिए, मैं और मुझे भी अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद सर।